नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। 28 सितंबर मंगलवार के दिन सोने की घड़ी साबित होंगी। जी दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से कुंभ राशि वाले लोगों को मिलेंगे दो बड़े समाचार। इन लोगों को प्यार पैसे के साथ साथ धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है, मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है और शुभ मंगलवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी इन लोगों को प्राप्त होने वाली है। भगवान महाबली हनुमान जी की कृपा से इन लोगों के जीवन में सारी की दुख तकलीफें, समस्याएं, संकटें और आर्थिक तंगों से भी इन लोगों को छुटकारा प्राप्त होने वाला है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से इन लोगों के जीवन में जिस भी प्रकार की धन दौलत से जुड़ी समस्याएं हैं, प्यार से जुड़ी समस्याएं हैं, लव लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे भी छुटकारा प्राप्त होगा और इन लोगों को दो बड़े शुभ संकेत मिलने के साथ साथ इन लोगों को दो बड़े शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है जो कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी इन लोगों को देने वाले हैं। तो ऐसे में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी और अनोखे परिवर्तन भी अपने जीवन में होता हुआ देखने को मिलेगा। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके रुके हुए कार्य सभी पूर्ण करने का मौका मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि होंगे, नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति का लाभ मिल सकता है, आपकी आर्थिक स्थितियों में काफी सुधार हो सकता है, विद्यार्थी कुमार में पढ़ाई लग सकता है, आपके सुख समृद्धि रुपए पैसे लगातार बने रहेंगे, इनकम के क्षेत्रों में भी आपके लगातार बढ़ोतरी होंगे, परिवार में लाभ के मौके भी प्राप्त होंगे, आप अपने व्यापार को उच्चतम ऊंचाई पर ले जाएंगे, निवेश के बारे में भी आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है, आपको नौकरी व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में भी आपकी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे, आपको अधिक समय बेहतर बनाने के मौके मिल सकते हैं, आपका शुभ समय शुरू होने वाला है, आप अपने कामों में सफलता हासिल करेंगे, आपके कई वर्षों से चल रहे कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जल्दी ही दूर होंगे, संतान से भी आपको धन लाभ हो सकता है, विद्यार्थियों को भी आने वाले समय में शिक्षा से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपका प्रेमी भी आपके विवाह के लिए प्रोत्साहित हो सकता है, आपका भाग्य भी साथ में आसमान पर रह सकता है तथा आप अपने जिंदगी में विशेष बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं, आपको अनोखे परिवर्तन करने के मौके भी मिल सकते हैं, आपकी व्यावसायिक समस्याएं भी समाप्त होंगे, आपको जीवन में कुछ अतिरिक्त और आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के मौके मिल सकते हैं, आपके अच्छे व्यवहार से लोग काफी प्रसन्न होंगे, परिवार में आपका महत्व बढ़ सकता है, आपके अटके हुए कार्य भी जल्दी पूरे होंगे, आपको छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, आपका अटका वजन भी अटका हुआ पैसा भी धन दौलत में कई दिनों से रुके हुए काम को पूरा करवा सकता है, पारिवारिक संबंध भी आपके मधुर होंगे, आपको प्यार के मामले में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे, आपके घर में नए मेहमान के आगमन के योग नजर आ रहे हैं जिनसे आपके घर में खुशियां रह सकती हैं, लव लाइफ के मामले में आपको व्यापार सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं, गृहस्थ जीवन में आपको सुख शांति बने रहेंगे, वैवाहिक जीवन में आपका प्यार बढ़ सकता है, आप अपने कामयाबी को नए सिरे से पहचान सकते हैं, आप लोगों को युवाओं को साक्षात्कार शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, लव लाइफ के मामले में अविवाहित लोगों को सही समय काफी विवादित और समस्याओं को दूर करने के मौके मिल सकते हैं, वहीं विद्यार्थियों को भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सफलताएं हासिल होंगे, सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान मिल सकता है, साहित्य लेखन से संबंधित आपको सफलता मिल सकती है, व्यापार व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, आपको शुभ कार्य में धन खर्च करना पड़ सकता है, पैसों की समस्याएं भी पहले से काफी कम होंगे, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगार की रोजगार की प्राप्त करने के लिए समय आर्थिक तंगों का सामना भी करवा सकता है, आपका पारिवारिक जीवन भी पारिवारिक वातावरण भी आपका प्रेम से भरपूर रहेंगे, आपको विरोधी से भी सचेत रहने की जरूरत रहेंगे और व्यापारी व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी स्थितियां रह सकती हैं, नौकरी में वक्त भी आपका काफी साथ दे सकता है, प्रेम जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को दूर किया जा सकता है, दाम्पत्य जीवन में आपको सुखों की अनुभूति होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता के आसार दिख रहे हैं, आपके शरीर में दर्द की स्थितियों को दूर करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, आपको पैतृक व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में काफी बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आपको प्यार और रोमांस के लिए काफी अच्छा रह सकता है, आप अपने प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का समय भी प्राप्त कर सकते हैं, करियर के क्षेत्र में आपको बहुत सारे अच्छे अवसर भी मिलेंगे, मानसिक थकान को दूर किया जा सकता है, आप अपने अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल में रखने के अवश्य कोशिश करें, इस समय आपका बढ़ता हुआ खर्च भी आपके परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए
लिए आप अपने पैसों से जुड़ी किसी भी प्रकार के कोई भी गलत फहमियों में पड़ने से बचने का प्रयास करें और आप अपने जीवन में मनचाही मुरादों को पूरा करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जीवन में आप अपने पैसों से जुड़ी हर प्रकार के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और जीवन में अपने एक अलग से अलग पहचान बनाने के साथ साथ आप अपने आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में नई चीजों की खरीदारी करने के मौके मिल सकते हैं। इस समय आप अपने पक्ष और पैसे से जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही न बरतें। इन सभी का ध्यान रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अपने योगदान को देने की कोशिश करें। मित्रों, आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होने वाली है। तो मित्रों, आपको अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग की प्राप्ति होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। आप लोगों के सेहत में काफी सुधार देखा जा सकता है। आप लोगों के सेहत से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा भी प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोगों की सारी के सारे प्लानिंग है, सारे के सारे आप लोगों की योजनाएं भी कारगर साबित होंगे। मित्रों, ये समय अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को संतुलन बनाकर रखना है, अगर आपको रिश्तों को लेकर थोड़ी सी भी कद्र है, तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा समय देने की अवश्य कोशिश करें, क्योंकि बिना समय दिए आप लोगों के जीवन में किसी बड़ी मुसीबतों से भी आप लोगों को गुजरना जरूर पड़ सकता है तथा आप लोगों को काम काजों के सिलसिलों में किसी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। आप लोगों के सफल यात्राएं सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। नकारात्मक विचारों से भी आप लोगों को दूर रहने की जरूरत होंगे। आप लोगों को कारोबार के क्षेत्र में आ रहे आप लोगों के सारी अड़चने सारी परेशानी दूर होंगे। परिवार के साथ आप लोगों का समय बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। आप लोगों को संतान सुखों की प्राप्ति होंगे। आप ऑफिस में और सहयोगियों के साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरों के काम काजों में दखल देने से भी बचने का प्रयास करने होंगे। दूसरों के कामों में बिल्कुल भी आप इंटरफेयर न करें। मन मुताबिक कार्य होने से आप लोगों का मन भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। घर परिवार में आप लोगों को किसी बड़े व्यक्ति से वार्तालाप करने का मौका भी मिलेंगे। आप लोगों को समय के साथ साथ सावधानी भी जरूर बरतने होंगे। दोस्तों के साथ आप शाम को समय व्यतीत कर सकते हैं। आप लोगों को बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करनी चाहिए। आप लोगों को बिजनेस पढ़ाने का मौका भी प्राप्त होंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने से आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी हो जाएंगी। बिजनेस को क्षेत्र में आप लोगों को किसी जानकार व्यक्तियों से भी राय लेकर कार्य को करने की जरूरत होंगे। आप लोगों को कोई ड्रेस संबंधित तारीफें कर सकता है। आप लोगों को इस समय छात्रों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आप लोगों के भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे। छात्र भी कुछ नई योजनाओं को बनाकर कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलताओं को हासिल करने के लिए बहुत ही अग्रसर रहेंगे, बहुत ही आतुर रहेंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी आप लोगों के जीवन में प्राप्त होने वाली है। कुछ ऐसी भी खुशखबरियां आप लोगों के जीवन में दस्तक देंगे जो आप लोगों के सभी प्रकार के कष्टों से भी आप लोगों को छुटकारा दिलवा देंगे। इस समय आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में बदलाव होंगे। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले में भी आप कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इन सभी का पूरा पूरा फायदा उठाने होंगे। शाम को परिवार के साथ डिनर करने पर आप जा सकते हैं, जिनसे कि आप लोगों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से आपको अपने तंदुरुस्ती को बनाए रखने की जरूरत होंगे। आप लोगों का रुका वजन भी आपको वापस मिलेंगे, जिससे कि आपको राहत पर महसूस होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में साझेदारी से आपको लाभ की प्राप्ति होंगे और किसी जरूरी काम काजों के द्वारा की गई यात्राएं सुखद होंगे। और इस राशि के आर्ष के छात्रों को भी शिक्षकों से बहुत ही ज्यादा मदद मिलेंगे। लंबित के साथ समय बिताने से आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और सेहत के लिहाज से भी आप लोगों का समय बहुत ही अच्छा गुजरेंगे। आप किसी नए बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और किसी खास मामले में भी अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आप लोगों को फायदेमंद साबित होंगे। परिवार वालों के लिए आपका समय काफी ज्यादा खुशनुमा बीतेंगे तथा आपके रिश्तों में भी नजदीकियां बढ़ेंगे। पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकेंगे। आप लोगों के व्यवहार से कुछ लोग
बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे, आर्थिक पक्ष भी आप लोगों को मजबूत रहेंगे, आप लोगों को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे, आपको किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं से भी आपको छुटकारा मिलेंगे, जीवन साथी के साथ आप लोगों के संबंध बेहतर होंगे, आपकी मुलाकात बचपन के किसी मित्र से होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेंगे, यह मुलाकात आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे क्योंकि इससे ही आप लोगों के जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ति होंगे, आपके लंबे समय से सोचे हुए कार्य भी फिर से पूरे होंगे, इनसे आपका मन प्रसन्न होंगे और किसी कार्य के लिए आपको कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है, जीवन साथी की सलाह आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे और इस राशि के बच्चे भी छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रह सकते हैं, आपको अपने करियर के क्षेत्र से लेकर बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही आप लोगों के सभी समस्याएं भी दूर होंगे, आपको कोई ऐसी बातों को पता भी चलेगा जिनसे कि आप लोगों को धनलाभ की प्राप्ति होंगे, आपके सभी समस्याएं भी दूर होंगे और किसी शुभ समाचारों की प्राप्ति करने का मौका भी प्राप्त होने वाला है, आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद के भाव आ सकता है, आप लोगों के रचनात्मकता प्रतिभाओं को खुलकर लोगों के सामने आ सकेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होंगे, माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक कार्य को करने की योजनाओं को बना सकते हैं, आप खुद को सेहतमंद महसूस कर सकोगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बहुत सारे नए मौके भी प्राप्त होंगे, जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताने का मौका मिलेंगे, धन के क्षेत्र में वृद्धि होंगे, आप लोगों के रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे, बच्चों को किसी मामले में लेकर आपको काफी ज्यादा प्रसन्नता की प्राप्ति होंगे और विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भी शिक्षकों की तरफ से विशेष मार्गदर्शन की प्राप्ति होंगे जिनसे कि उनका भविष्य में उज्ज्वल बनेंगे, घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम को आयोजित करवाने के बारे में सोचेंगे जिनसे कि आप लोगों के घर में खुशहाली की प्राप्ति होंगे, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी अगर आप करना चाह रहे हैं वह भी बिजनेस आप लोगों का काफी सफल होंगे, परंतु किसी भी साझेदारी में कोई भी कार्य को न करें नहीं तो आप लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं, कई सारे लोग आप लोगों को मुश्किलों में डालने की कोशिश कर सकते हैं, या कहें आप लोगों को किसी बड़ी परेशानी से आप लोगों को इस समय डालने की कोशिश कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम को बढ़ाने की जरूरत होंगे, तभी आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नए कार्य को करने की भी योजनाओं को बना सकोगे, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम का होने भी आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, आपका दिन शुभ मंगलकारी हो, जय मां विंध्यवासिनी।